तो भाई लोग, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं टोटल रेसलिंग यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे WWE स्मैकडाउन की हाइलाइट्स के बारे में कि WWE स्मैकडाउन में क्या हुआ। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ मेन टॉपिक WWE स्मैकडाउन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, शो की स्टार्टिंग करते हैं रोमन रेंस आके में पहले रिंग में आते हैं और उसके बाद एक्नॉलेज मी का साइन करते हैं। इसके बाद लोग भी उन्हें एक्नॉलेज करते हैं। तो इसके बाद में एक प्रोमो भी बहुत बड़ा प्रोमो कट करते हैं कि मैं आज जेट से आए हैं अपने भाइयों के साथ और उनसे मिलके खुश हैं बहुत दिनों बाद। लेकिन इसके बाद में पॉल हेमन को देखते हैं कि मैं पॉल हेमन आज किसी डर से मैं तो मैं पूछते हैं कि पॉल हेमन आज तुम घर आए क्यों? तो पॉल हेमन बताते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर की वजह से घबराया हूँ कि वह तुम्हारे सबसे बड़े अपोनेंट हैं, तुम्हें उन्हें स्मैश करना होगा समर स्लैम में और उन्हें हराना होगा एक और बार। इस पर रोमन रेंस हाँ करते हैं। लेकिन तभी थ्योरी का थीम प्ले एकदम शुरू होता है। एकदम सब हैरान हो जाता है कि थ्योरी क्या आज कैसिन करेंगे। लेकिन थ्योरी आते हैं और रिंग का चक्कर लगाकर चले जाते हैं। तो रोमन रेंस के मुंह पर भी एक बार हवाई उड़ गई थी कि थ्योरी यहाँ क्या करना है, क्या मैं यहाँ कैसिन तो नहीं करने आए हैं। तो गाइस, क्या आपको लगता है कि थ्योरी आज कैसिन करते हैं? मुझे तो आज ऐसा नहीं लगता था, इसलिए थ्योरी आज कैसिन भी नहीं करा, इसलिए मैं समर स्लैम के दौरान ही कैसिन करेंगे। तो भाई लोग, अगला मैच जो हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन में जो हुआ वो था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस लुडविक काइजर, जो कि गंथर के चेले हैं। इसके बाद इन दोनों का मैच हुआ। इस मैच में जब शिंसुके नाकामुरा एंट्रेंस कर रहे थे तो तभी किंग कॉर्बिन भी वहाँ से कॉमेंटेटिव टेबल पर बैठे हुए थे और वह पैट मैकफे का मजाक बना रहे थे, जैसे कि पैट मैकफे बजाते हैं गिटार जब वह आते हैं शिंसुके नाकामुरा, इसलिए वह उन्हें बहुत मॉक कर रहे थे और उन्हें चिढ़ा भी रहे थे पैट मैकफे को, क्योंकि उन्होंने उन पर हमला करा था और इनका मैच भी होने वाला है। आज हमें पैट मैकफे शो पे देखने को नहीं मिले। तो भाई गाइस, चलते हैं इस मैच में कि इस मैच में शिंसुके नाकामुरा की जीत हो जाती है अपना फिनिशर लगा के। मैच ठीक ठाक सा मैच था ये। तो भाई लोग, लेकिन गंथर इसकी सजा देते हैं अपने चेले को और उन्हें चोप लगाते हैं, बहुत हार्ड हार्ड करके चोप लगाते हैं। तो भाई लोग, ये था ये सेगमेंट। तो भाई लोग, अगला मैच जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस जिंदर महल एंड सेंगी के बीच। ये मैच सिर्फ 70 सेकंड चला। इसके बाद एकदम वाइकिंग रेडर्स ने अपना फिनिशर लगाया और सेंगी और जिंदर महल को हरा दिया 70 सेकंड के अंदर ही। तो गाइस, देखिए आप कैसी बुकिंग चल रही है हमारे इंडियन सुपरस्टार्स की, इन्हें जरा सा भाव नहीं दिया जाता इस शो में। तो भाई लोग, फिर लेकिन वहाँ से इस मैच के बाद वहाँ से न्यू डे आते हैं और इन्हें चिढ़ाने लगते हैं वाइकिंग रेडर्स को। लेकिन वाइकिंग रेडर्स उन्हें भी पकड़ के अच्छी तरह अपने फिनिशर लगाते हैं और उन्हें पस्त कर कर रिंग में से चले जाते हैं। तो भाई लोग, अगला जो बड़ा सेगमेंट हमें स्मैकडाउन में से देखने को मिलता है वो मिलता है लॉस लॉथारियोस वर्सेस द उसोस के बीच। नॉर्मल सा ये मैच था, अच्छा ये मैच चला है, लेकिन ज़्यादा लंबा मैच नहीं था। इस मैच में द उसोस ने एकदम पिन करके हरा दिया लॉस लॉथारियोस को और इस मैच में जीत हासिल करी। तो भाई लोग, WWE का आज के शो का मेन इवेंट जो था वो था सेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर। जो जीतेगा वो रोमन रेंज को चैलेंज करेगा क्लैश एट द कासल में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। गाइस, WWE ने पूरे शो में इसे एडवर्टाइज किया, लेकिन WWE ने ये मैच करा ही नहीं, क्योंकि WWE ने यह मैच ड्रू मैकइंटायर और बुच के बीच कर दिया। जब सेमस बताते हैं कि आज मैं नहीं लड़ेंगे, आज बुच लड़ेंगे, तो गाइस इस पर ड्रू मैकइंटायर भी हाँ कर देते हैं और फिर बुच और ड्रू मैकइंटायर का मैच भी होता है, जिसमें ड्रू मैकइंटायर बहुत आसानी से बुच को हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद रिज होलैंड अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रू मैकइंटायर अपना DDT लगा देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद सेमस भी आने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर अपनी तलवार को स्विंग करते हैं, जिससे सेमस डर जाते हैं और रिंग छोड़कर भाग जाते हैं और इसके बाद ये शो ख़त्म हो जाता है। मुझे आज का शो बहुत एवरेज। ऐसे ही WWE रिजल्ट और वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल और कर दीजिए वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।